तेज धूप से अब पहाड़ी इलाके तपने लगे हैं। मंडी जिला में भी सूर्यदेव ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लोग शहर की सड़कों में धूप से खुद को बचाने के लिए छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई पेड़ की छाव में बैठे हैं, तो कई शीतल पेयजल पीकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। शामिल नाम है मेरा, यहाँ पे मैंने नाली का काम स्टार्ट किया है, लगभग 3-4 महीने हो सके। यहाँ पे लोग लगभग नारियल को बहुत पसंद करते हैं। नारियल पानी इसका मीठा होता है, पीने में टेस्टी होता है, और यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीना पी रहे हैं। मेरा काम बढ़िया है और गर्मी के हिसाब से काम चलता जा रहा है। बाकी ये है कि इसका ताकत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बीमारी काम आता है। ये सर उदरी से आता है, बेंगलोर साइड से आता है, बेंगलोर, केरला, तमिलनाडु, चेन्नई, कई जगह होता है इंडिया में। तो ये सबसे अच्छा केरला का नारियल होता है, ये केरला से ही आता है जी। ये लगभग इसका मार्जिन हमें 10 रुपये बच जाता है, बस 75-70 ऐसे देखते हैं, बस 65 10 रुपये 12 रुपये पे काम करते हैं। हमें ज़्यादा लॉस, इसमें ज़्यादा कमाई नहीं है। दिन में यहाँ पे 100 पीस तो बिक रहा है, 100 पीस बिक जाता है, 100-120। ये तो सर बारह मास ही चलता है, गर्मी में ज़्यादा पी रहे लोग। बाकी मैंने लगाया था तब भी काम बढ़िया था, एक जैसा ही काम है शुरुआत से ही। बाकी अब ज़्यादा पी रहे हैं गर्मी में ज़्यादा पीते हैं। पिछले कुछ दिनों से गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मंडी में भी हमारे ऐसा लग रहा है जैसे कि चंडीगढ़ दिल्ली वाला माहौल बन गया है। बहुत ज़्यादा उमस हो रही है और छात्र भी बहुत परेशान हैं, लोग बच्चे आते हैं। हम जैसे यहाँ आउटडोर में काम करते हैं ना, तो काफ़ी गर्मी लगती है हमें, तो उसके लिए ऐसा है बार बार पानी पी रहे हैं हम, और थोड़ा कभी ये पी लेते हैं नारियल पानी, गन्ने का रस है यहाँ पे, बाकी गोलगप्पे वगैरह खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ा शरीर में बराबर मात्रा रहती है ना, खटाई भी ज़रूरी है गर्मी में, नहीं तो शरीर बहुत वीक हो जाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके पानी पिए, और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ सबसे, जिनका कोई काम नहीं हो बाहर में, धूप में ना निकले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस है और शरीर को बहुत नुकसान कर रही है। जो सर हम तो बिहार से हैं, पेंट का काम करते हैं, ऐसे बिहार में बहुत ज़्यादा गर्मी होता था, लेकिन कुछ दिनों से मंडी में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी से राहत पाने के लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग बिहार से हैं तो पंखा यूज कर रहे हैं, क्या करेंगे। तो ये तरबूज, खीरा, तो सलाद वगैरह जी ठंडा पीते हैं। वही पर्यटकों का मानना था कि हिमाचल में कम गर्मी होगी, लेकिन यहाँ पर भी तपती धूप से हाल बेहाल है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि निचले मैदानी इलाकों से कम गर्मी हिमाचल में है, चंडीगढ़, दिल्ली और यूपी में तो बुरा हाल है। जी मैं वैसे मेरा प्राय बनारस से हुआ है, तो बनारस में तो आपको पता ही है कितना गर्मी है। तो फिलहाल मैं जून मई को यहाँ बीर में आया था। पहले बीर में भी बहुत गर्मी बढ़ चुका है पहले से ज़्यादा। पहले हम लोग वकेशन में बीर में ही आता था, क्योंकि वहाँ तो बहुत गर्मी रहता था। फिर एक हफ्ता हो गया है, आप क्या बोले, मंडी या रिवर्सल में गया था, वहाँ पे भी शायद बीर से ज़्यादा ही गर्मी है। फिर अब गर्मी से क्या करना है, या वैसे हिमाचल में तो शाम को और सुबह तो थोड़ा बहुत ठंडा है बनारस देखे तो, लेकिन दोपहर को तो बहुत गर्मी है। शायद घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है, घूमना भी, फिर पसीना आता है, और इसके लिए खास क्या करना, पानी ज़्यादा पीना और नहाना, पहले ज़्यादा नहाना, वही काम करते हैं। पीने के लिए खास तो कुछ नहीं, वैसे तो हम बनारस से हैं तो चाय बहुत पसंद करते हैं, गर्मी में भी पी लेता हूँ। फिलहाल अब गर्मी बहुत होता तो जूस ज़्यादा पीना का मन करता है, और तो वो थोड़ा शरीर के लिए, अपना स्वास्थ्य के लिए भी इतना ठीक नहीं है, फिर भी पीना पड़ता है। थोड़ा जुकाम भी हुआ है कल परसों 2-3 से, काफ़ी गर्मी है हिमाचल में, इतनी कभी गर्मी देखी नहीं थी, और जा रहे हैं अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ही पी रहे हैं अभी तो फिलहाल, थोड़े से मैं डाल रहा हूँ। वैसे कहाँ घूमने के लिए जा रहे थे आप लोग? हम पराशर झील घूम के आए, फिर भुंतर गए थे, फिर वहाँ से वापस घर जा रहे हैं। वैसे गर्मी का कुल मिला के किस तरह से आकलन? गर्मी जी कंपैरेटिवली इस साल बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज ऐसी गर्मी आज से पहले कभी फील की नहीं थी।
वहीं गर्मी के चलते तरबूज, खरबूज, आम और गन्ने के जूस की खूब बिक्री हो रही है। व्यवसाय भी अच्छा हो रहा है। लोग गर्मी से बचने के लिए नारियल पानी का सहारा ले रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।